खबर उन्नाव से है, जहां बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि आंदोलन में किसान नहीं विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के 60 साल के शासनकाल में युवाओं की अनदेखी के आरोप लगाए। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमारे लिए सर्वमान्य है। पार्टी के मंत्री वरिष्ठ नेता किसानों से बातचीत कर समस्याओं के निस्तारण का भी प्रयास कर रहे हैं। उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी ने विवेकानंद जयंती के मौके पर युवा उद्यमी सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद रेखा वर्मा, बीजेपी विधायक बंबालाल दिवाकर भी मौजूद रहे। पार्टी की ओर से 20 युवा उद्यमियों को मुख्य अतिथि ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और भविष्य में कारोबार को ऊंचाइयों तक ले जाकर देश को मजबूत बनाने का हौसला भरा। रेखा वर्मा ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 60 साल की सत्ता में कांग्रेस ने देश के युवाओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मोदी सरकार ने युवाओं को आगे बढ़ाया, क्योंकि देश का युवा ही देश का भविष्य है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष राजकिशोर रावत के अलावा संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का स्वागत कर सम्मान किया। मीडिया से बातचीत में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा किसान बिल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के सवाल पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सर्वमान्य है। सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का हम सर झुकाकर सम्मान करते हैं। हमारी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, हमारे जो युवा हैं उनके हित में काम कर रही है। और जहाँ तक ये किसान आंदोलन की बात आती है, तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि बिल आया है और किसान 80%, देखिए आपके चैनल से ही हम लोगों को पता चला था उस समय कि 80% किसान इस बिल के समर्थन में है। और जो हमारा अपना सर्वे था, जो हम अपने किसानों भाइयों से मिल रहे हैं, उसमें भी हमें यही नज़र आया कि 80% किसान इस बिल के समर्थन में है। जहाँ तक है कि इसको आंदोलन का रूप क्यों दिया गया, क्योंकि विपक्ष ने 60 साल सरकार में रहने के बाद में अपने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। 60 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है और बहुत अच्छा विकास कार्य हो सकता था, देश बहुत आगे बढ़ सकता था, लेकिन 60 सालों में हमारा देश बहुत पीछे हो गया। 14 में हमारी सरकार बनी, हम निरंतर काम कर रहे हैं। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके ही नेता इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और इस आंदोलन को एक रूप दे रहे हैं। जहाँ तक किसानों की बात है, हमारे जितने भी वरिष्ठ मंत्री हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम किसानों के संपर्क में हैं और किसान जो भी सुझाव दे रहा है, हम उस पर पूरा अमल करके और चर्चा करके उनके सुझाव को पूर्ण रूप से हमारी सरकार देख रही है। अगर मानने योग्य है तो हम मानेंगे उसको। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।